मुजफ्फरपुर के मुसहरी ब्लॉक के नवादा गांव की एक लड़की जिसका बचपन उस गांव में गुजरा, उसके बाद धीरे धीरे वो शहर में पहुंची और फिर शहर में आने का एक रीज़न था सबसे बड़ा कि उनके सपने, बड़े सपने जो वो साकार करना चाहती थी, उसी सपने को पूरा करने के लिए वो पहुंची मुजफ्फरपुर शहर। और धीरे धीरे वो उनका कारवा चलता रहा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। आज वो लड़की इस मकाम पे पहुंच चुकी है कि कला शिक्षा एवं संस्कृति विभाग में उन्होंने केवल 38 पदों पे निकले नौकरी में उनका नाम अंकित हुआ है और उस 38 में से एक पद वो हासिल की है। आज वो हमारे साथ बैठी है, उनका नाम है विभा भारती जी। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? जी, मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो मेरे ग्रामीण के स्कूल प्राइमरी स्कूल नवादा से शुरू हुई है। उसके बाद हमने मिडिल और हाई स्कूल चैपमैन बालिका उच्च विद्यालय मुजफ्फरपुर जिले से की है और उसके बाद इंटर भी मैंने मुजफ्फरपुर से ही की और ग्रेजुएशन में संगीत विषय में एमडीडीएम कॉलेज से की। फिर एमडीडीएम कॉलेज वहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद, चूँकि पीजी का उस समय कोई स्कोप नहीं था, यहाँ कोई डिपार्टमेंट नहीं हुआ करते थे, तो मेरी एक और संघर्ष शुरू हुई दरभंगा विश्वविद्यालय के लिए। जब मैं दरभंगा पीजी करने जाती थी उस समय साधन सिर्फ हमारे पास ट्रेनों की होती थी और उसकी टाइमिंग भी बहुत ही गड़बड़ थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। चूँकि हमें सफलता पाना था, मुझे मैं जो सोच रखी थी उसको पाने के लिए हमने एक दूसरे जिला को चूज किया और जिला दरभंगा पहुँची संघर्ष करते हुए ट्रेन के द्वारा जैसे तैसे क्लास करना, और उसके बाद वहाँ भी मैंने टॉप किया। तो दरभंगा आप अपने गांव से जाती थी ट्रेन से? जी, मेरे गांव में स्टेशन है सिलौत, मैं वहां पे ट्रेन पकड़ती थी और वहां से शुरू होती थी मेरी जर्नी दरभंगा जाके क्लास करना। फिर वहां पे भी मैम लोग का सपोर्ट भी था एक तरह से, लेकिन ज़्यादा हमें डांट ही सुनना पड़ता था क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा कड़ी नियम के तहत क्लास ऑर्गेनाइज करवाती थी। तो ये वो दौर कब आया जब आप परमानेंटली मुजफ्फरपुर शिफ्ट हुई? उसके बाद मैंने नेट किया, उसी पीजी करते ही मैंने अपेयरिंग कैंडिडेट करके मैंने नेट की परीक्षा दी और मैं वहाँ सफलता पाई। बिहार से मात्र 2 कैंडिडेट थे, उसमें मैं भी एक थी। फिर मैंने पीएचडी की प्रॉपर मुजफ्फरपुर से, वहाँ से मेरा मुजफ्फरपुर का जर्निंग शुरू होता है। जब नेट मुजफ्फरपुर के कौन से कॉलेज से? एमडीडीएम कॉलेज से तो मैंने स्नातक किया था और पीजी हम दरभंगा से किए थे। उसके बाद नेट भी की और मेरी नौकरी जो लगी वो राधा देवी गर्ल्स हाई स्कूल सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर में 2014 में, मैं 16 में मैं यहाँ पे पोस्टेड हुई। और उसके बाद भी मेरी सपना जो था वो पूरा नहीं हुआ, वो एक रोजगार मिल गया, मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ। तो लक्ष्य आपका शुरू से यही था जी, जिस मकाम पे आज आप पहुंची हैं? बिल्कुल, मेरा बचपन से ही था सपना कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं। उसके लिए मुझे मौका मिल नहीं रहा था क्योंकि मैंने सब्जेक्ट जो चूज किए वो संगीत विषय थे और यूपीएससी और बीपीएससी में संगीत विषय से ऑप्शनल पेपर नहीं हुआ करते हैं। फिर भी मैं मेरे मन के अंदर जो था कि प्रशासनिक सेवा में जाऊँ, हालाँकि मैं दूसरे विषय को भी मैं चूज कर सकती थी, लेकिन इस दौरान मुझे मैंने शिक्षा विभाग को चूज किया और शिक्षा विभाग में मैं रहते हुए स्कूल प्लस टू ज्वाइन करने के बाद मुझे प्रतिनियुक्ति मेरी तुर्की बीएड कॉलेज, जो बिहार का नंबर 1 कॉलेज है जहाँ डिग्री की पढ़ाई होती है बीएड और एमएड की, मुझे वहाँ, मैं यहाँ 5 सालों से हूँ और अभी भी मैं वर्तमान में तुर्की बीएड कॉलेज में ही पढ़ा रही हूँ। कौन सा विषय आप पढ़ाती हैं वहाँ? मैं यहाँ कला आर्ट में पढ़ाती हूँ, जिसमें मेरा संगीत विषय है, डांस है और फाइन आर्ट है। तो संगीत कुल मिलाकर कला के क्षेत्र में आप आगे बढ़ी हैं, तो अगर कला के क्षेत्र में आप आगे बढ़ी हैं तो कला का कुछ, उसकी कुछ प्रस्तुति हो जाए तो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल,
मेरा पूरा फोकस है कि मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र से जो मैं सीखी हूँ उसको उभारूँ, क्योंकि कला के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जो कला है वो उभर के सामने नहीं आ रही है। तो ये मेरा मैं जब PhD की थी तभी मैं सोची थी कि मैं लोक गायन पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि हमारे बिहार की पहचान लोक गीतों से है। तो मैं यहाँ दो लाइन में लोकगीत पर गाना चाहूँगी जो मैंने खुद रिसर्च किया, और इसको नचारी बोलते हैं जो हमारे दरभंगा क्षेत्र के एक लोक गायन है नचारी। तो मैं दो लाइन सुनाना चाहूंगी। अंगना से दौड़ी दौड़ी अब थिन बिया कुल गौरी, अंगना से दौड़ी दौड़ी अब थिन बिया कुल गौरी, आहे आहे सखिया ताली रे शिव शंकर मोरहे रायल है ना, आहे आहे सखिया ताली रे शिव शंकर मोरहे रायल है ना, जल नाही मिल तन शिवा ताली नाही लौटब आहे सखिया। इस तरह मैंने बहुत सारे लोकगीतों का मैं खुद रिसर्च भी की और मैं कुछ क्रिएट भी करती रहती हूँ। मुझे कला के लिए कुछ करना है, यही जुनून है, और मुझे प्रशासनिक सेवा में भी जाना है, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था। अभी जिस पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, इस पद को पाने के लिए आपने किस प्रकार से अपनी तैयारी की और इसकी परीक्षाएँ कैसे हुई उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। PT में मैंने स्वतः सेल्फ स्टडी की, चूँकि मैं जॉब में थी मुझे टाइम मिलता नहीं था, मैं टाइम मैनेजमेंट करते हुए और जब मैं जॉब करके 5 बजे मैं लौटती थी तो मैं इसके लिए 4 घंटे प्रॉपर मैं 4 घंटे स्टडी के लिए देती थी, जो मैं यहाँ के स्टडी सेंटर हैं अध्ययन स्व अध्ययन मैंने वहाँ पे 4 घंटा अपना सेल्फ स्टडी करती थी। फिर मैं आने के बाद, चूँकि मेरा संघर्ष का दौर था, मेरा बच्चा भी मेरा छोटा था, तो वो दौर में मैंने PT की पास की और फिर सेल्फ स्टडी के द्वारा मैंने मेंस की भी तैयारी की। मेंस में मेरे तो ये जो सेल्फ स्टडी था वो कितने घंटों का होता था? जी मैं प्रॉपर 4 घंटा देती थी। 4 घंटा जी रेगुलर। तो कोई भी जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनके बारे में एक मिथ चला आ रहा है कि उसके लिए तकरीबन 16 घंटे 18 घंटे लोगों को पढ़ना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या ये सही में उतने घंटे पढ़ने पड़ते हैं, या फिर अगर कोई मेहनत और लगन से ईमानदारी के साथ 5-6 घंटे भी पढ़े तो ऐसे ऐसी परीक्षाएं वो पास कर सकता है? जी बिल्कुल, 4 घंटा तो मेरा है, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि अगर आप प्रॉपर और डेली आप रूटीन डेली आप बना लेते हैं 4 घंटा और ध्यान से पढ़ते हैं, पूरी संघर्ष के साथ पढ़ते हैं, तो वो 4 घंटा आपके 16 घंटे के बराबर होते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होते हैं। ये डिपेंड करता है पढ़ने वालों के ऊपर, किन्हीं को 16 घंटा अगर टाइम मिलता है 16 घंटा पढ़ के वो अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं, कोई 6 घंटा भी प्राप्त कर सकते हैं। ईमानदारी होनी चाहिए। तो अब जिस पद पर आप गई हैं यहाँ पे आपका कार्य क्या होगा, आप किस आपका रोल क्या होगा यहाँ पे? जी ये कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के रूप में मुझे जो जिला मिलेगा, मुख्य रूप से मैं उस जिला के क्षेत्र को कला के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, कला पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि हम कला के क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं, जो हमारी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, वो उस योजनाओं को सफल करना है। तो अब यहाँ से आप जिस मकाम पे अभी पहुँची है, अब यहाँ से आपका और भी कोई सपना है या फिर ये आखिरी मंजिल थी? नहीं, ये मेरी आखिरी मंजिल नहीं है, संघर्ष तो मेरा जारी है और जारी रहेगा भी। आखिरी मंजिल तो मुझे बिहार को जब एक पहचान, बिहार की कला के क्षेत्र में मेरी खुद की भी पहचान और मेरे बिहार की भी पहचान जब देश स्तर विश्व स्तर पर पहुंचेगी, वो मेरी आखिरी मंजिल होगी। आप एक मकाम पे आज पहुंची हैं तो आपको देखकर बहुत से लोग प्रेरित होंगे, तो जो उभरते हुए कलाकार हैं इस क्षेत्र में या फिर जो इस मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
उनके लिए सबसे पहले तो मैं दो लाइन बोलना चाहूँगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हद तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको, आप सभी युवाओं को संघर्ष करना नहीं छोड़ना चाहिए। जो संघर्ष करते हैं अंततः उसकी जीत होती है। वो जो एक छोटी सी सपना जो हमारे मन में आती है, अगर उसके प्रति हम दृढ़ निश्चयी हो जाए, हम सोच लें कि हमें पाना है, तो कोई भी मुश्किलें उसे रोक नहीं सकती। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छे बेहतरीन कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाए तो ही आप एक मकाम पे पहुंच सकते हैं। एक छोटे से गांव से निकले हुए लोग भी बड़े बड़े पद पे अपनी जगह बना सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आज आपने देखा कि हमारे साथ थी विभा भारती जी।